देखिए दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ों को खा लीजिए, उसका आपको जो फायदा है, बेनिफिट है, वो मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपकी त्वचा में निखार आता है, आपका पाचन तंत्र तेजी से काम करने लगता है, आप हल्का महसूस भी करने लगते हैं एंड साथ ही साथ आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम जो खाते हैं वो हमारे पेट से होकर हमारे इंटेस्टाइन तक जाता है, जिसमें कि कई प्रकार की नलियां मौजूद होती है जो कि कई वेन्स के साथ कनेक्टेड होती है। इन नलियों का काम ये होता है कि खाए गए फूड में से मौजूद न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करके एंड जिससे कि वो वेन्स के थ्रू होता होता हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। पर जब हम जाने अनजाने में गलत खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो खाना इन नलियों में फंस जाता है, जो कि गंदगी का रूप ले लेता है और जिसके कारण हमारे शरीर में पोषण तत्व पहुँच नहीं पाते। और ये गंदगी जब हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में जाती है तो स्किन डिजीजेस, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल एंड कैंसर जैसी बीमारियां धीरे धीरे पैदा होने लगती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि ज़्यादातर बीमारियां हमारे पेट से ही पैदा होती है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की। जैसे ही आप सुबह उठें तब आपको एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में एक नींबू को निचोड़कर आपको सिप सिप करके पीना है, जिसमें कि विटामिन सी प्रेजेंट होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट कई बैड बैक्टीरियाज धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की, वो है ऑयल पुलिंग। दोस्तों, ऑयल पुलिंग में आपको एक चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है। इसे आपको 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह में रखकर आपको घुमाते रहना है। ये प्रोसेस को आप चाहे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारी जो टंग मसल है वो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से जुड़ी होती है वेंस के थ्रू। आपने देखा ही होगा कि जब हम डॉक्टर्स को चेकअप कराने जाते हैं तो वो ज़्यादातर हमारी जीभ देखकर ही बीमारी का पता लगा लेते हैं। एंड 10 से 15 मिनट तक ऑयल पुलिंग करने से ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट बैड ऑयल को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट बैड ऑयल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। आइए बात करते हैं टिप नंबर 3 की, वो है ड्रिंक एटलीस्ट 3-4 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। कई लोग दिन में 1-1.5 लीटर ही पानी पीते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। इसलिए आपको दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको मेक श्योर कम से कम 3-4 लीटर अ डे वाटर पीना ही पीना है। इसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 4 की, वो है एड मोर फाइबर्स टू योर डाइट। दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस या डाइजेशन के रिलेटेड इशू रहते हैं तो आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए। आपको अपनी डाइट में फाइबर की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। फाइबर्स के लिए आप सैलड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी क्वांटिटी में फाइबर्स मिलेंगे, जिससे होगा ये कि आपको डाइजेशन इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्लीन एंड क्लियर रहेगी एंड आप जो है अच्छा फील करेंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं लास्ट टिप की, जो कि है टिप नंबर 5, वो है डू सम फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में हमारी फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बहुत ही कम हो चुकी है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपको दिन में कम से कम 15-20 मिनट का टाइम निकाल कर रनिंग या साइकिलिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट्स टॉक्सिन्स स्वेट के रूप में बाहर आएंगे एंड जिससे कि आपकी बॉडी है एक तरीके से जल्द डिटॉक्स होने लगेगी एंड साथ ही ये आपको फिट रखने में भी काफ़ी मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थे टोटल 5 टिप्स अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूँगा।
मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे फिट।